दिखाता हूँ आज दृष्टि का क्या रिएक्शन रहता है। इस बार जो है नदी ज़्यादा बढ़ के नहीं आई, जलस्तर काफ़ी कम रहा इस बार। ये है दोस्तों यहाँ का डेंजर जोन और ये उछली गाड़ी। ओ वो 5 लाख की लागत से बनाया था रोशन मामा ने ये ढाबा। जितने टॉप में आओ ना उतना मज़ा आता पहाड़ में तो चलने में ना, बहुत ही मतलब जब ये आसमान इस टाइप का दिखता है ना नीला नीला। अब दोस्तों थोड़ा सा करते हैं नियमों का पालन। सर मारिए ही ना अपने घर देखो ना, मैं और देख सकते हो गोलू कितना प्यार कर रहा है। दादी को पहला ही बोला। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं बलवंत कोरूंगा स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के अपने खूबसूरत से गांव देवकुना से। तो दोस्तों आज भी मौसम कुछ अच्छा ही है, रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी और अभी जो है अच्छी तरह खुल चुका है मौसम। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज दृष्टि को लेने, दृष्टि गई थी ननिहाल तो मैं जा रहा हूँ आज ननिहाल को दृष्टि को लेने। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको आगे, दिखाता हूँ आज दृष्टि का क्या रिएक्शन रहता है। तो चलता हूँ दोस्तों मैं अब सफ़र को कंटिन्यू करते हुए। इस बार जो है नदी ज़्यादा बढ़ के नहीं आई, जलस्तर काफ़ी कम रहा इस बार। और ये है रामगंगा हमारी बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले बीच में, इसकी सीमा है ये। रामगंगा से पार को जो है बागेश्वर लग जाता है और जो है हमारी ओर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ये है हमारा शिवालय मंदिर जो है रामगंगा के समीप बना हुआ है। ये है दोस्तों यहाँ का डेंजर जोन, पिछले ब्लॉगों में दिखाया था मैंने आपको। ये देखिए पूरी पहाड़ी जो है टूट टूट के आ रही है। और आज जो है देखते हैं क्या है हाल, फिक्स खुल रखी है रोड और ये उछली गाड़ी। ओ वो 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 ये देखिए कोई सफाई नहीं आज संडे होने के कारण, बीआरओ वाले भी नहीं आए आज। और मैं निकल चुका हूँ और रोशन मामा का जो है ढाबा कभी भी निकल सकता है यहाँ से, इसके भी कोई चांसेस नहीं है। 5 लाख की लागत से बनाया था रोशन मामा ने ये ढाबा। लड्डू गोपाल ने घूमना बंद कर दिया है क्योंकि मौसम इतना खास नहीं है, धूप नहीं है ना। ये कभी कभी लड्डू गोपाल को याद आ रही है तो घूम लेता है, ये तो इसकी मर्जी चलती है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ मिलन बैंड में, ये जो है रमाड़ी का लास्ट बैंड है और इसके बाद जो है घूम के फिर ऐसे करके ऊपर से निकलूँगा मैं, तो आगे जाके फिर रमाड़ी धार मिलेगा, इसको कहते हैं मिलन बैंड। और यहाँ से जो है बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है नीचे को, ये हमारे देवकुना बसंत नगर तेजम और टिमटिया वाला एरिया और कापाधुरा, तो मस्त सा दिख रहा है। जितने टॉप में आओ ना उतना मज़ा आता है पहाड़ में तो चलने में ना, बहुत ही मतलब जब ये आसमान इस टाइप का दिखता है ना नीला नीला और मौसम ऐसा हो तो और ही मज़ा है। फिर से जो है यहाँ पर गड्ढा हो गया है, कलमट बैठ गया है और उसमें जो है पत्थर डाले हुए हैं बीआरओ ने। मैं पहुँच चुका हूँ रमाड़ी धार पे, यहाँ से जो है ये ऊपर वाली रोड बागेश्वर वाली है, ये नीचे रमाड़ी और कन्योली और ये आपको मिलेगी नाश्ती में सीधे ही। और मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, मस्त सा दिख रहा है यहाँ से। ये जो है मिलन बैंड से भी और मस्त सा व्यू दिखाता है यहाँ से, तो मैं दिखाता हूँ आपको सारा व्यू नामिक ग्लेशियर से लेके नाश्ती तक का प्यारा सा व्यू गोगिना। और यही नामिक ग्लेशियर पड़ता है यहाँ और ये बादलों ने जो है घने वाले बादल हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हल्के बादल हैं और यहाँ पर घने बादल हैं, बीच में देखो आसमान कितना नीला, आसमान साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और ये आया हमारा मुंशी नगर वाला क्रेशर वाला एरिया और ये रातो बैंड, और यहाँ से ऐसे करके हमारा ये आया देवकुना गाँव, फिर ये बसंत नगर,
और रोटो का जाल देखो बिल्कुल बैंड एक से एक, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ बैंड ऐसे पड़े हैं बांजुगड़ वाले में कि क्या बताएं अब। लेकिन बांजुगड़ के 6 बैंड काम आते हैं, 2 बैंड नहीं आते हैं। फिर ये देखो आगे तेजम का व्यू अच्छा सा बिल्कुल, उसके अटिम्ट या फिर ऊपर काबा धुरा बारह तोली और उसके ऊपर में आसमान, नीला आसमान और बादलों से जो है हल्के हल्के जो है आसमान को दिखाता हुआ बिल्कुल साफ हुए भी। और ये है रमाड़ीधार, ये है कन्योली वाली रोड और ये है बागेश्वर वाली रोड। कन्योली वाली रोड जो है आपको नासी मिला सकती है सीधे ही, आप अगर सही मौसम में आइए तो। इस समय तो पूरी बंद होगी है, पूरी संभावना है, और जो है सही मौसम में आओगे तो ये पूरे नाश्ते में ले जाएगी आपको। और इस बार जो है नदी में जो है आपको बताया मैंने अभी कि जल स्तर जो है बहुत कम रहा इस बार, नदी आई नहीं इस बार ज़्यादा, और क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ऊपर को बर्फीले वाले एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, और जो है हमारे नीचे वाले क्षेत्रों में घाटी वाले क्षेत्रों में ही बारिश हुई, तो यही नुकसान हो रहा है। और ऊपर को जो है कोई ज़्यादा हुई नहीं है, देखो लास्ट का कुछ भी नहीं रहा, स्कूल छोटा सा दिख रहा है ऊपर में, और जो है पूरा हमारा डीन विन सब चला गया है अब। और ये रमाड़ी के बैंड कितने मस्त दिख रहे हैं, और आजकल तो डामर हो रखा है तो, और बारिश के उससे पूरा मौसम साफ है तो बिल्कुल धुली धुली रोड दिख रही है सारे। और ये देखो मतलब इस समय पहाड़ में घूमने का कुछ और ही मजा है। ये है केटूधार और रमाड़ीधार से कुछ आगे आते ही दिखने लग जाता है सामा, सामने पर दिख रहा है सामा मार्केट और आजू बाजू में सामा से मिलते हुए गांव। अब दोस्तों थोड़ा सा करते हैं नियमों का पालन, मोबाइल ऑफ, सीट बेल्ट ऑन। सीट बेल्ट पहन चुका हूं मैं, अब करता हूं मोबाइल को ऑफ। मैं पहुंच चुका हूं बनार घाटी पे, और ये है बनार घाटी। नूर तेरे चेहरे का। बताना क्या पहना है, क्या हुआ? ओ, क्यों रुला था? रुलाया था मम्मी ने, मम्मी ने रुलाया था। क्या हुआ? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है? शर्म आ रही है ना? शर्म आ रही है? मैं पहुंच चुका हूँ ससुराल, और ये है ममता देवी, और ये है हमारी लाडू दृष्टि। आज तो हम घर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हुई है दृष्टि भी ना, बहुत ज्यादा खुश हुई है घर जाने के लिए। सुबह से कह रही थी पापा 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 कब आएंगे कह रही थी, अब ना इसके पापा आ गए तो बहुत ज्यादा खुश हुई है। मेरे साथ तो ये बिल्कुल नहीं आ रही है ना दृष्टि, यहाँ देख ना, यहाँ देखो ना दृष्टि, यहाँ देखो ना। कौन है? पप्पा जी बोल। कौन है पप्पा जी? कौन है? कौन है? कौन है? तो गाइज जब मैं जाने लग गई हूँ ससुराल, और ये रही दृष्टि। अभी हम ना सुपेरियर में पहुंचे हुए हैं आधे रास्ते पे, तो अब करते हैं सफर को कंटिन्यू इन खूबसूरत आदमी के साथ। ये रही सुपियागर की मार्केट, थोड़ी सी दो चार ही दुकानें हैं यहाँ पे, और ये सामने वाला पूरा बनार घाटी में आता है ये। और दोस्तों जो ये है सीढ़ी वाला रास्ता, यहीं से जाते हैं समालगांव मंदिर, और यहीं से शिखर भी जाते हैं। और मोनिका भी आ रही है हमारे साथ सामा तक, ये ना कल घर आई और आज जाने लगी। हम ना समा मार्केट में पहुंचे हुए हैं। अभी हम कविता और
मोनिका को छोड़ने गए थे सामा जड़बिला, तो सामा जड़बिला से हम वापस आ गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं सामा मार्केट में। हम निकल गए सामा से आगे को, और जो है आगे जो है बारिश हो रही है। अब हम ना निकल गए सामा से, हमें तो लगता है कि बारिश नहीं हो रखी है, पर यहाँ पर जो है बारिश हो रही है। ये देखो सामा की ओर पूरी भयंकर बारिश आ गई है, और हम पहुँच चुके हैं रमाड़ी धार पे, और रमाड़ी धार में जो है बारिश नहीं है। इस बारिश को क्रॉस करके आ चुका है, पर ये बारिश लगता है कि मेरे पीछे पीछे भी आ सकती है। क्या मौसम लग रहा है, ये तो मौसम वाला हो रहा है मौसम। अब तो जो है पहाड़ भी नीले दिखने लग गए हैं, देखो तो गाइस। और देखो एक तरफ जो है बादलों ने छोड़ दिया पहाड़ को, और अब तो ऊपर ऊपर टहल रहे बादल। तो गाइस अब हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, और देख सकते हो बोला। तो गाइस करती हूँ मैं आज का ब्लॉग ही पे एंड, होप करती हूँ आपको मेरी